हेलो एवरीवन, दिस इज आलोक सिंह। तो आज मैं हाइड्रोजन चैप्टर का लेक्चर 03 लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी ऑफ हाइड्रोजन विथ हैलोजन एंड अल्कली मेटल। हैलोजन और अल्कली मेटल के साथ हाइड्रोजन की क्या क्या सिमिलरिटी है, क्या क्या डिसिमिलरिटी है, आज के क्लासेस में आप लोगों को पता चलेगा। चलिए गाइस, आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। लेट्स स्टार्ट। तो समझते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि हाइड्रोजन को हम लोग सेंटर में रखते हैं, ना ही ग्रुप 1 के साथ रखे हैं, ना ही ग्रुप 17 एलिमेंट के साथ रखे हैं, उसको हम लोग सेंटर में रखे हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी उसकी दोनों साथ मैच करती थी। समस्या का निजात पाने के लिए हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को बीच में रखे हैं, एकदम सेंटर पे। वही मैंने बोर्ड में लिखा है और ये सारी बातें मैंने प्रीवियस क्लासेस में मैंने डिस्कस की थी। अगर आपने वो मेरी लेक्चर वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ गाइज आप वो मेरी लेक्चर वीडियो देख ले, तभी जाकर आपको ये लेक्चर वीडियो जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। ख़ास करके मैं आज इस लेक्चर में यानी कि इस सेशन में आपसे डिस्कस करूँगा सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी ऑफ हाइड्रोजन विथ अल्कली मेटल एंड हैलोजन फैमिली। तो पहले हम लोग समझेंगे, चेक करेंगे हाइड्रोजन की सिमिलरिटी अल्कली मेटल के साथ कैसे कैसे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सिमिलरिटी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ने होते हैं, उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। शायद पढ़ा होगा कि नहीं, भगवान जानते हैं, लेकिन आप लोग इससे तो आप लोग रूबरू हुए होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। इसका शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं EC, ठीक है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे सिमिलर है हाइड्रोजन की अल्कली मेटल के साथ। तो देखिए, आप लोग हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा, ठीक है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखिए। हाइड्रोजन का तो एटॉमिक नंबर आप लोग जानते होंगे क्या होता है, 1, तो क्या हो जाएगा 1s1, ठीक है। अब देखिए, लिथियम का, जैसे कि अल्कली मेटल तो आप लोग जानते होंगे, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, यही सब होता है अल्कली मेटल। तो कोई भी अल्कली मेटल उठा लेते हैं, चलिए लिथियम ही उठा लेते हैं। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3, तो 1s1, 1s2, 2s1, ठीक है। जैसे कि एक सोडियम का भी ले लेते हैं, सोडियम का मान लीजिए 11 है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 11 होता है, 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। तो देखिए, आउटर मोस्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसका क्या क्या आ रहा है, सब में तुम्हारा सबका जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns1 आ रहा है। तो कह सकते हैं कि हाइड्रोजन और अल्कली मेटल का लगभग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, लगभग क्या, सेम ही है। इसका जनरलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए तो क्या आ रहा है लास्ट में, बताइए आप लोग। जनरलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है, ns1। n मतलब ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, 2, 3 है, ठीक है, n। और लास्ट में देखिए, सब में s1 आ रहा है। तो कह सकते हैं कि इसका अल्कली मेटल के साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन की मैच कर रही है। जनरलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों का ns1 ही आ रहा है, अल्कली मेटल का भी ns1 आ रहा है और हाइड्रोजन का भी ns1 आ रहा है। सो कह सकते हैं ये सिमिलरिटी है, पहला सिमिलरिटी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दोनों के केस में लगभग ns1 ही आ रहा है। देख लीजिए आप लोग, 1s1, इसके लास्ट में 2s1, इसका 3s1। तो ये देखिए, ओवरऑल जनरलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो क्या आ रहा है, ns1। थस हम लोग कह सकते हैं कि हाइड्रोजन और अल्कली मेटल का जनरलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगभग सेम है। सो पहला सिमिलरिटी आप लोगों ने समझ लिया, ठीक है। तो समझते हैं नेक्स्ट सिमिलरिटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स होता क्या है, बहुत बच्चे को कन्फ्यूजन होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स होता क्या है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन को लूज करना,
उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना या दो इलेक्ट्रॉन को लूज करना, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब रहा बात देखते हैं, तो देखिए अल्कली मेटल में देखा गया कि जो जितने भी अल्कली मेटल हैं वो एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और अपने ऊपर प्लस चार्ज गेन कर लेते हैं। तो कोई भी अल्कली मेटल उठा लीजिए, जैसे कि लिथियम उठाएं, तो लिथियम देखिए एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उस पर अपने ऊपर क्या चार्ज ले लिया, पॉजिटिव चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया। सारे अल्कली मेटल एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, कोई भी ले लीजिएगा, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, सब क्या होते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो देखिए लिथियम भी एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और सोडियम भी एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो अब हाइड्रोजन के साथ भी ऐसा देखा गया है कि हाइड्रोजन भी जो होते हैं एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो हो गए ना सिमिलरिटी, अल्कली मेटल और हाइड्रोजन दोनों जो होते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की क्षमता रखते हैं। तो ये तुम्हारा सेकेंड सिमिलरिटी हुआ। पहला सिमिलरिटी तो आप लोग समझ गए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों का सेम होता है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर दोनों का सेम देखा गया कि देखिए अल्कली मेटल भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो बोथ अल्कली मेटल एंड हाइड्रोजन टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड गेन ए पॉजिटिव चार्ज। इनका टेंडेंसी क्या है कि ये लूज करते इलेक्ट्रॉन और गेन करते अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को। तो देखिए गेन किया है पॉजिटिव चार्ज को। तो दो सिमिलरिटी देख लिए हम लोगों ने, अब बढ़ते हैं हम लोग थर्ड सिमिलरिटी की ओर। दो सिमिलरिटी जो मैंने दिखाया इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोगों को आई थिंक नहीं होनी चाहिए। तो बढ़ते हैं हम लोग थर्ड सिमिलरिटी की ओर, और थर्ड सिमिलरिटी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज सेम एज डैट ऑफ पोटासियम सोडियम, यानी कि अल्कली मेटल के साथ लगभग क्या होता है हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होता है। जैसे कि आप लोग देखिए, हम लोग जानते हैं कि NaCl क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है, डिसोसिएट करके Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है। टूटता है कि नहीं, NaCl जो होता है ये तो तुम्हारा NaCl जो होता है बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक करके Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है, हम लोग जानते हैं ऐसा। कोई भी अल्कली मेटल देखना ठीक है, वो हैलोजन के साथ कंबाइन होता है तो उसको हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। आयनिक बॉन्ड कैरेक्टर शो करता है, आयनिक बॉन्ड कैरेक्टर शो करता है। कोई भी तुम्हारा अल्कली मेटल जब कंबाइन होता है हैलोजन फैमिली के साथ तो वो जो होता है आयनिक बॉन्ड शो करता है, यानी आयनिक बॉन्ड जैसा बिहेव करता है। और आयनिक बॉन्ड तो आप लोग जानते होंगे कि वो डिसोसिएट करने की क्षमता रखता है, तो ये डिसोसिएट करता है ठीक है। तो डिसोसिएट किया, इसी तरह मान लो कोई भी अल्कली मेटल ले लिए, KCl, KCl क्या होता है K प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट कर जाता है। उसी तरह हम लोगों ने हाइड्रोजन में भी देखा, हाइड्रोजन जो होता है अगर देखिए HCl यानी हाइलोजन फैमिली के साथ कनेक्ट हुआ तो ये भी देखिए कि हाइड्रोजन भी जो होता है क्या किया, ब्रेक कर गया, ब्रेक कर गया यानी डिसोसिएट कर गया और H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक कर गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट अल्कली मेटल का और हाइड्रोजन का दोनों का क्या होता है, सेम होता है, सेम होता है। और कितना होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो प्लस वन होता है। तो देख लीजिए सोडियम भी अपने ऊपर क्या चार्ज लिया है, प्लस चार्ज। तो समझ सकते हैं कि चार्ज ऑन सोडियम इक्वल टू वन, चार्ज ऑन पोटासियम इक्वल टू वन, तो इसी तरह चार्ज ऑन हाइड्रोजन इक्वल टू वन, है ना। देख लीजिए आप लोग ऐसा क्यों बोले, क्योंकि हम लोग जानते हैं NaCl जो होता है कोई भी अल्कली मेटल अगर कंबाइन हो हाइलोजन फैमिली के साथ तो डिसोसिएट हो जाता है, क्योंकि वो आयनिक बॉन्ड बनाता है और आयनिक बॉन्ड की क्षमता होती है डिसोसिएट होना, तो ये डिसोसिएट हो गया। इसी तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो भी डिसोसिएट हो जाता है आयन के फॉर्म में, ठीक है, तो आयन के फॉर्म में टूट गया। तो हम लोग देखें कि ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन का सेम होता है एज डैट ऑफ अल्कली मेटल, कोई भी अल्कली मेटल ले लो उसके साथ ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन का सेम होता है। क्या सेम, मतलब सेम होता है, कितना होता है, तो प्लस वन।
प्लस वन शो करता है, प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा थर्ड सिमिलरिटी हुआ। फोर्थ सिमिलरिटी ये है कि कॉम्बिनेशन विथ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एटम, जब ये अल्कली मेटल या तुम्हारा हाइड्रोजन एटम वो जब कंबाइन होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एलिमेंट के साथ तो वो ऑक्साइड फॉर्म करता है। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे अल्कली मेटल लाइक कोई भी हम लोग ले लेते हैं सोडियम पोटासियम, जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो फॉर्म करता है ऑक्साइड। ठीक है, फॉर्म करता है ऑक्साइड, जैसे कि तुम्हारा कोई भी अल्कली मेटल, क्या क्या कोई भी अल्कली मेटल ले लो और किससे रिएक्ट करा दो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एलिमेंट के साथ। हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, ऑक्सीजन, जैसे कि मैंने अभी ले लिया ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएं तो अल्कली मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो बनाता है ऑक्साइड, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड Na2O, पोटासियम ऑक्साइड K2O, ये सब ऐसे ऐसे एलिमेंट बनाते हैं, ऐसे ऐसे कंपाउंड बनाते हैं। जब अल्कली मेटल रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो फॉर्म करते हैं ऑक्साइड। ऑक्सीजन यानी ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एलिमेंट के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो ऑक्साइड बनाते हैं। आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एलिमेंट कौन होगा, ऑक्सीजन। फ्लोरीन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, बट हमको ऑक्साइड बनाना है इस कारण हमने ऑक्सीजन लिया। तो इसी तरह हम लोगों ने देखा हाइड्रोजन जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो भी बनाता है ऑक्साइड। ऑक्साइड में कौन, तो वाटर, वाटर बनाता है। वाटर जो होता है, क्या हो गया, ये हाइड्रोजन ऑक्साइड बना दिया, इसको तो हम लोग वाटर बोलते हैं, हम लोग जानते हैं, आप लोग जानते होंगे। हाइड्रोजन जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो ऑक्साइड बनाता है, इसी तरह अल्कली मेटल जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो फॉर्म करता है ऑक्साइड। तो ये आपकी सिमिलरिटी हो गई। तो सिमिलरिटी नंबर फोर, कॉम्बिनेशन जब करता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एलिमेंट के साथ तो ऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन भी और अल्कली मेटल भी। अब रहा बात, देख लीजिए, जैसे कि अल्कली मेटल लाइक सोडियम पोटासियम अगर रिएक्ट करता है हैलोजन के साथ, रिएक्ट करता है हैलोजन के साथ तो बनाता है हैलाइड, जबकि हाइड्रोजन रिएक्ट करता है हैलोजन के साथ तो बनाता है हाइड्रोजन हैलाइड। ये भी आपकी सिमिलरिटी हो गई। जैसे देखिए सोडियम क्लोराइड बनाया, पोटासियम क्लोराइड बनाया, इसी तरह हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, यानी कि हैलाइड बनाते हैं दोनों, अल्कली मेटल भी बनाता है हैलाइड और हाइड्रोजन एलिमेंट भी बनाता है हैलाइड। अल्कली मेटल जब हैलोजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है हैलाइड, उसी तरह हाइड्रोजन जब हैलोजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है हाइड्रोजन हैलाइड। तो वही चीज़ है, दोनों क्या बनाते हैं, हैलाइड बनाते, समझे। तो ये आपकी सिमिलरिटी नंबर फाइव हो गई, सिमिलरिटी फाइव। तो हम लोगों ने पांच सिमिलरिटी देखा। पहला सिमिलरिटी क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होते हैं, यानी कि जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों के NS1 होते हैं। ठीक है, सेकेंड मैंने क्या देखा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता दोनों में एक एक है, यानी दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, यानी कि डोनेट कर सकते हैं और अपने ऊपर प्लस चार्ज गेन कर लेंगे। ठीक है, दूसरा वो मैंने डिस्कस किया। तीसरा मैंने डिस्कस किया ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों के क्या होते हैं, प्लस वन। ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों के क्या होते हैं, हाइड्रोजन के भी अल्कली मेटल के भी प्लस वन होते हैं। क्यों क्यों ऐसा मैंने बोला, क्योंकि देखिए अल्कली मेटल जब कोई भी हैलोजन के साथ रिएक्ट करता है, देख लीजिए अल्कली मेटल कोई भी हैलोजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है हैलाइड, और हम लोग जानते हैं हैलाइड जो होते हैं जैसे कि सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड या सीजियम क्लोराइड, ये सब क्या होते हैं, डिसोसिएट जल्दी कर जाते हैं, क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड जल्दी डिसोसिएट करता है। जब जल्दी डिसोसिएट करेगा तो क्या होगा, आयन के फॉर्म में टूट जाएंगे। तो चार्ज देखते हैं, कैटायन पे चार्ज कितना होता है, प्लस वन, डैट्स वाई चार्ज इसका क्या हो जाता है, प्लस वन, प्लस वन मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन। तो NaCl, KCl, HCl, तो उसमें हम लोगों ने देखा
हाइड्रोजन के केस में भी ऐसा ही होता है, वो भी क्या होता है डिसोसिएट कर जाता है, डिसोसिएट करता है तो उस पर भी चार्ज क्या होता है प्लस वन। तो कह सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट अल्कली मेटल का और हाइड्रोजन का दोनों का क्या होता है सेम होता है। तो ये तुम्हारा थर्ड सिमिलरिटी हुआ। फोर्थ सिमिलरिटी क्या था, जब कम्बिनेशन करते इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एलिमेंट के साथ, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एलिमेंट मैंने क्या लिया ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन के साथ जब अल्कली मेटल रिएक्ट करता है तो बनाता है ऑक्साइड, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड, पोटासियम ऑक्साइड, रूबिडियम ऑक्साइड, सीजियम ऑक्साइड, ये बनाता है। जबकि हाइड्रोजन भी वही चीज़ करता है, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो बनाता है ऑक्साइड। ऑक्साइड में कौन बनाया, वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्साइड। और फिफ्थ सिमिलरिटी तो हम लोगों ने जानते हैं कि अल्कली मेटल, कोई भी अल्कली मेटल ले लो, वो रिएक्ट करेगा हैलोजन के साथ तो बनाएगा हेलाइड, जबकि हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा हैलोजन तो बनाएगा क्या हेलाइड। ठीक, वो हाइड्रोजन हेलाइड और ये तुम्हारा क्या बनाएगा हेलाइड, यानी अल्कली, सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये पांच सिमिलरिटी हुए। तो ये पांच सिमिलरिटी आप लोगों को आई थिंक छप गया होगा माइंड में, पांचों सिमिलरिटी। पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड तुम्हारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, तीसरा ऑक्सीडेशन स्टेट, चौथा कम्बिनेशन विथ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एलिमेंट और पांचवा ये। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए। तो हम लोग बढ़ते हैं डिसिमिलरिटी की ओर। अभी तो मैंने सिमिलरिटी पूरा डिस्कस कर लिया, अब बढ़ते हैं डिसिमिलरिटी की ओर। क्या क्या डिसिमिलरिटी है, अल्कली मेटल के साथ हाइड्रोजन कैसे डिसिमिलर है। अभी तो मैंने सिमिलर देखा, अब हम लोग देखते हैं डिसिमिलरिटी। ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। चलिए समझते हैं डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन विथ अल्कली मेटल, अल्कली मेटल के साथ कैसी कैसी डिसिमिलरिटी है हाइड्रोजन की, समझते हैं। अभी तो मैंने सिमिलरिटी देख ली, अब हम लोग देखते हैं डिसिमिलरिटी कैसे डिफरेंट है, डिफरेंट कैसे है अल्कली मेटल के साथ हाइड्रोजन। तो पहला डिफरेंस ये है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। हाइड्रोजन जो होता है लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है अल्कली मेटल की तुलना में, अल्कली मेटल की तुलना में हाइड्रोजन जो होता है लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होता है देन अल्कली मेटल। अल्कली मेटल की क्षमता ये होती है कि वो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देता है, यानी कि वो एक इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देता है, जबकि हाइड्रोजन की उतनी ताकत नहीं होती है कि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। ठीक है, अल्कली मेटल जो होता है, कोई भी अल्कली मेटल ले लो जैसे कि सोडियम, एक इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देगा, जबकि हाइड्रोजन में ऐसा नहीं है। आप लोग जानते भी होंगे कि एक्रॉस द पीरियड क्या होता है, एक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर घटने लगता है, और पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा अगर किसी का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है तो वो अल्कली मेटल का है, क्योंकि वो तो ग्रुप वन में आता है और सबसे इनिशियल पोजीशन पे यही रहता है। तो डैट्स वाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के मामले में अल्कली मेटल को हराना नामुमकिन है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर अल्कली मेटल का ही होता है, और इसकी क्षमता यही होती है कि एक इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देता है। तो पहला डिसिमिलरिटी यही है, हाइड्रोजन जो होता है लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है अल्कली मेटल से, कोई भी अल्कली मेटल ले लो लाइक सोडियम, पोटासियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांस, कोई भी ले सकते हो। तो पहला डिसिमिलरिटी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेकेंड है आपका नेचर ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है। ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन तो आप लोग जानते होंगे न्यूट्रल, सबको जानता है कि वाटर जो होते हैं न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं, वाटर जो होता है न्यूट्रल कंपाउंड होता है, सबको को पता है। बट ऑक्साइड ऑफ अल्कली मेटल जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, कोई भी अल्कली मेटल जो होता है वो बेसिक होता है, यानी ऑक्साइड ऑफ अल्कली मेटल जो होता है बेसिक होता है, जैसे कि लिथियम ऑक्साइड, पोटासियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ये सब क्या होते हैं बेसिक होते हैं। कोई भी ले लेना ऑक्साइड ऑफ अल्कली मेटल, सारे के सारे जो होंगे वो बेसिक इन नेचर होंगे, जबकि ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन जो होते हैं न्यूट्रल होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल आप लोग जानते हैं न्यूट्रल होते हैं। तो ये आपका डिसिमिलरिटी हो गया। तीसरा डिसिमिलरिटी ये है नेचर ऑफ कंपाउंड,
कैसे कैसे कंपाउंड बनाते हैं, उसका नेचर क्या है समझते हैं। जैसे कि देखिए हाइड्रोजन के पहले देखते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन के केस लिए ठीक है। इसका जो होता है बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है लो होता है, जबकि ये कोवेलेंट कंपाउंड शो करते हैं। कोई भी हाइड्रोजन के हेलाइड अगर लोगे उसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है और ये कोवेलेंट कंपाउंड शो करते हैं, यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर इनके पास होता है और ये बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या होता है लो होता है। कोई भी हाइड्रोजन हेलाइड ले सकते हैं आप लोग, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये सब के सब क्या होंगे, इनका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा और ये कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेंगे। अब आते हैं मेटल के हेलाइड लेते हैं, ठीक है। मेटल के हेलाइड कौन कौन से होंगे, लिथियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटासियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ही हाई होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ही हाई होता है और ये आयनिक सॉलिड होते हैं और ये आयनिक कैरेक्टर शो करते हैं। हम जैसे कि मैंने कुछ देर पहले ही बताया था कि अगर अल्कली मेटल कोई भी हेलाइड के साथ कंबाइन हुआ तो वो जो होता है आयनिक कैरेक्टर शो करने लगता है, तो आयनिक कैरेक्टर इस कारण ये शो हो करता है। कोई भी अल्कली मेटल का हेलाइड आप लोग लोगे वो आयनिक सॉलिड होगा, यानी कि आयनिक कैरेक्टर शो करेगा, जबकि कोई भी हाइड्रोजन का हेलाइड लोगे वो आपका कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा और उसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा जबकि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। तो ये आपका डिसिमिलरिटी दिखा, तीसरा डिसिमिलरिटी। चौथा डिसिमिलरिटी ये है कि साइज ऑफ आयन, आयन का साइज। हाइड्रोजन जो होता है पुद्दू सा होता है, जबकि अल्कली मेटल जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं। तो हाइड्रोजन का आयन जो होता है छोटा होता है, जबकि अल्कली मेटल का आयन बहुत बड़ा होता है। इवन कंपैरिजन आप लोग कर सकते हैं, हाइड्रोजन का अगर लिथियम प्लस आयन से अगर कंपैरिजन करोगे तो लिथियम प्लस आयन जीत जाएगा, जबकि कोई भी अल्कली मेटल ले लो, हाइड्रोजन का हम लोग सोडियम प्लस से कंपैरिजन करते हैं तो सोडियम प्लस जीत जाएगा, क्योंकि देखिए इसका जो होता है साइज एकदम छोटा सा होता है, पुद्दू सा, जबकि इसका जो साइज होता है बहुत बड़ा होता है। समझ गए साइज ऑफ आयन। तो चार डिसिमिलरिटी समझे, और पांचवा डिसिमिलरिटी आप लोग जानते हैं, जो हाइड्रोजन होते हैं वो क्या होता है, उसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया, तो यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया चार जो मैंने डिसिमिलरिटी लिखवा दिया। ये चारों के चारों डिसिमिलरिटी बहुत ही आसान है। पहला डिसिमिलरिटी क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। हाइड्रोजन जो होते हैं लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होते हैं अल्कली मेटल की तुलना में, यानी अल्कली मेटल से हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, अल्कली मेटल जो होते हैं वो आसानी से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, जबकि हाइड्रोजन में ऐसा देखा नहीं गया है। हाइड्रोजन की क्षमता उतनी नहीं होती कि एक इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर दे, बेचारा पहले से ही उसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक ही एटॉमिक नंबर, वो भी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो बर्बाद हो जाएगा। इस कारण वो उसकी उतनी क्षमता नहीं होती है जितनी कि अल्कली मेटल की होती है। तो ये पहला डिसिमिलरिटी हुआ। सेकेंड डिसिमिलरिटी नेचर ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड का नेचर क्या होता है। जब हाइड्रोजन का ऑक्साइड आप लोग देखें तो वो न्यूट्रल होता है, जबकि ऑक्साइड ऑफ अल्कली मेटल देखें तो बेसिक होता है। कोई भी अल्कली मेटल का ऑक्साइड आप लोग देख लीजिए वो बेसिक इन नेचर शो करेगा, जबकि कोई भी ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन, कोई भी ऑक्साइड क्या एक ही को होता है, H2O यानी वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल जो होता है न्यूट्रल होता है, सबको जानता है। जबकि तीसरा क्या होता है, नेचर ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का नेचर कैसा हुआ। कोई भी हाइड्रोजन का हैलोजन से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन हेलाइड बनाता है, हाइड्रोजन हेलाइड जो होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है जबकि वो कोवेलेंट कैरेक्टर शो करते हैं। जबकि कोई भी अल्कली मेटल का अगर हेलाइड लेंगे जैसे कि लिथियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटासियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा जबकि वो आयनिक कैरेक्टर शो करेंगे,
और फोर्थ डिसिमिलरिटी क्या थे, साइज ऑफ आयन। साइज ऑफ आयन यानी कि हाइड्रोजन प्लस आयन जो होते हैं पुद्दू सा होता है, यानी छोटा सा साइज होता है, जबकि अल्कली मेटल का बहुत बड़ा साइज होता है, किसी के साथ भी आप कंपेरिजन कर सकते हैं। और पांचवा डिसिमिलरिटी ये है कि हाइड्रोजन जो होते हैं, हाइड्रोजन पास एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, न्यूट्रॉन के नाम पे वो शून्य होता है। प्रीवियस क्लासेस में भी मैंने डिस्कस किया था, हाइड्रोजन जो होते हैं उसका न्यूट्रॉन जो होता है जीरो होता है, न्यूट्रॉन के नाम पे क्या होता है, शून्य होता है, जबकि उसके पास एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। जबकि कोई भी अल्कली मेटल ले लीजिए, उसका प्रोटॉन भी होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, तीनों होते हैं। जबकि हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है, पूरे पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन होते ही नहीं, न्यूट्रॉन के नाम पे शून्य होता है। तो ये आप लोग का पांचवा डिसिमिलरिटी है, वो आप लोग अपने से खुद के लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। सिंपल क्या लिखना है, हाइड्रोजन जो होते हैं वो, हाइड्रोजन जो होता है उसके पास एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, जबकि कोई भी अल्कली मेटल ले लें, कोई भी अल्कली मेटल आप लोग ले लें, उसके पास प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है और इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो ये आप लोग खुद के लैंग्वेज में नोट डाउन कर लीजिए। तो वो पांचवा डिसिमिलरिटी हो गया। तो ये आपका डिफरेंस हो गया हाइड्रोजन का अल्कली मेटल के साथ, और सिमिलरिटी यानी रिजेंबलेंस हम लोग देख लिए और डिफरेंस देख लिए अल्कली मेटल के साथ। तो बढ़ते हम लोग हैलोजन फैमिली के साथ, रिजेंबलेंस देखते हैं एंड डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए। ये पांचों डिफरेंस में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छी तरह से मैंने समझाया है और सिमिलरिटी भी बहुत अच्छी तरह से समझाया है। तो बढ़ते हम लोग हैलोजन फैमिली की ओर। ठीक है, उसका हम लोग रिजेंबलेंस देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। चलिए तो समझते हैं रिजेंबल्स विथ हैलोजन। रिजेंबल्स मीन्स सिमिलरिटी विथ हैलोजन। हाइड्रोजन कैसे सिमिलर है हैलोजन के साथ, यानी हैलोजन की प्रॉपर्टी कैसे सिमिलर है हैलोजन के साथ समझते हैं। तो पहला सिमिलरिटी इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था अल्कली मेटल का, और हैलोजन का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही। तो आप बोलोगे सर ये कैसे कि दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम कैसे, आप लोगों को माइंड में तो डाउट होगा ही। तो देखने का नज़रिया अलग है, देखिएगा खुद आप लोग, नज़र से एक नज़र दोहराइएगा तो आप लोगों को खुद आइडिया लग जाएगा कैसे सिमिलरिटी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैलोजन की हाइड्रोजन से। तो देखिए समझाते हैं, डोंट वरी। ये देखिए फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है 9 होता है, तो उसका आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिखने आता है 1s2 2s2 2p5। जबकि नियोन का लिखिए, नियोन तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, ग्रुप 18 एलिमेंट होता है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन, रेडोन, ये सब क्या होता है, ग्रुप 18 एलिमेंट होता है। तो सब कोई चाहता है, यानी हर एलिमेंट चाहता है कि मेरा नोबेल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो और वो स्टेबल हो जाए। सब एलिमेंट चाहता है, तो फ्लोरीन भी चाहता है, हाइड्रोजन भी चाहता है। तो इसका लास्ट में, यानी लास्ट सेल में इसका कितना इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी भी तरह मिल जाए, इसको एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को किसी भी तरह मिल जाए, तो वो नियोन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेगा कि नहीं। देखिए 1s2 2s2 2p5 फ्लोरीन का होता है, जबकि नियोन का होता है 1s2 2s2 2p6, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी भी तरह इसके पास आ जाए तो उसका नियोन जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, यानी कि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। जब ऑक्टेट पूरा हो जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। डैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि अगर किसी भी तरह इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ये ऑक्टेट पूरा कर लेगा और ये स्टेबल हो जाएगा। इसी तरह हाइड्रोजन में भी देखा गया कि हाइड्रोजन का भी आउटर मोस्ट शेल 1s1 है, ठीक है, जबकि हीलियम का आउटर मोस्ट शेल 1s2 है। अब हाइड्रोजन को हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए, यानी कि ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो देखिए इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ताकि वो नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल कर पाए और ये स्टेबल हो जाए। ठीक है,
तो कह सकते हैं दोनों में सिमिलरिटी है, उसको भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, यानी कि हैलोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो दोनों में हुए ना सिमिलरिटी। तो यही मैं बोल रहा था, बस नज़रिया आप लोग चेंज कीजिए, आप लोगों को खुद सिमिलरिटी दिख जाएगा। तो देखिए, इफ़ वी कंपेयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्लोरीन एंड नियोन, फ्लोरीन और नियोन में कंपेयर किए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो लास्ट सेल में देखिए डिफरेंस क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन का 1 दिख रहा है। लास्ट सेल में डिफरेंस कितना का दिख रहा है, एक का डिफरेंस दिख रहा है, ताकि ये अपना ऑक्टेट पूरा कर ले और ये स्टेबल हो जाए। इसी तरह सिमिलरली हम लोग देखें कि हाइड्रोजन और हीलियम में भी एक का डिफरेंस है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, यानी हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो फ्लोरीन और हैलोजन के केस में, दोनों के केस में यही देखने को मिल रहा है, दोनों में डिफरेंस एक इलेक्ट्रॉन का है। तो कह सकते हैं दोनों एक तरह का सिमिलरिटी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगभग सिमिलर है दोनों के। ठीक, तो पहला सिमिलरिटी में कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। सेकंड क्या होता है सिमिलरिटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैरेक्टर। तो हैलोजन जो होते हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो वो क्या बना देगा, क्लोराइड यानी कि हैलाइड बना सकता है। फ्लोरीन, कोई भी हैलोजन ले लो एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो बना देगा हैलाइड, जबकि हाइड्रोजन भी अगर एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो भी बना देगा हाइड्राइड, यानी हुए ना एक एक इलेक्ट्रॉन ये अगर गेन करते हैं यानी लेते हैं तो हैलाइड और हाइड्राइड जैसा बनाएंगे, यानी दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेंगे तो हैलाइड और ये हैलाइड बनाएगा और ये हाइड्राइड बनाएगा, तो हुए ना सिमिलरिटी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैरेक्टर से भी आप लोग ये दोनों में सिमिलरिटी बता सकते हैं। इसी तरह आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी मेटल के साथ आइदर अल्कली मेटल कम्बाइन हो या हाइड्रोजन कम्बाइन हो, ठीक है, हाइड्रोजन कम्बाइन हो कोई भी मेटल के साथ, यानी उससे ज़्यादा होना चाहिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ज़्यादा होना चाहिए, सॉरी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होना चाहिए कोई भी मेटल के साथ। जैसे कि देखिए, मान लीजिए हम सोडियम के साथ हैलोजन को कम्बाइन किए, ठीक है, सोडियम को यानी कोई भी अल्कली मेटल के साथ, तो सोडियम के साथ हम लोगों ने हैलोजन अटैच किया, तो देखिए इस पर क्या चार्ज आया, +1, तो इस पर क्या चार्ज आएगा, -1 आएगा। इसी तरह मान लीजिए KCl, यानी कि देखिए इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैरेक्टर ज़्यादा है ना, और क्लोरीन क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो ये एक चार्ज क्या हो जाएगा, +1, तो इस पर चार्ज क्या आ जाएगा, -1। तो इसी तरह मान लीजिए हम लोगों ने सोडियम हाइड्राइड ले लिया, ठीक है, या पोटासियम हाइड्राइड ले लिया, तो सोडियम तो खुद अपने ऊपर +1 चार्ज एक्सेप्ट करेगा, जबकि हाइड्रोजन पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि सोडियम जो होता है ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैरेक्टर शो करता है इन कंपेरिजन टू हाइड्रोजन। ये तो आप लोगों ने पीछे कुछ देर पहले ही मैंने बताया था कि हाइड्रोजन जो होता है ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करता है, सॉरी हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैरेक्टर होता है इन कंपेरिजन टू कोई भी अल्कली मेटल ले लो, ठीक है। यहाँ भी यही चीज़ देखने को मिल रहा है, यानी कह सकते हैं कि हैलोजन पे और हाइड्रोजन पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। हैलोजन के केस में भी -1 देखने को मिलते हैं, जबकि हाइड्रोजन के केस में भी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ठीक है, समझ गए आप लोगों ने। ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों के केस में -1 होगा। तो ये हो गए सिमिलरिटी नंबर 3। पहला समझ गए, दूसरा समझ गए, तीसरा, पहला क्या था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दोनों का लगभग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम ही है, दोनों को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, जबकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैरेक्टर कहने का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन अगर दोनों एक्सेप्ट करते हैं, यानी ये देखिए हैलोजन भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो हैलाइड बनाता है, ये हाइड्राइड बनाता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट, तीसरा सिमिलरिटी क्या था, ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -1, यानी हैलोजन फैमिली का भी -1 होता है अगर मेटल के साथ कम्बाइन हो तो, और ये हाइड्रोजन का भी -1 होता है अगर मेटल के साथ कम्बाइन हो तो। चलिए, तो 3 आप लोग नोट डाउन कीजिए,
तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट। फोर्थ सिमिलरिटी है आयनाइजेशन इंथैल्पी। आयनाइजेशन इंथैल्पी हाइड्रोजन और हैलोजन का लगभग क्या होता है, सेम होता है, यानी बहुत ही क्लोज होता है। एच इसी कारण हम लोग बोल सकते हैं, इसलिए एच बिहेव लाइक फ्लोरीन यानी हैलोजन अकॉर्डिंग टू आयनाइजेशन इंथैल्पी। आयनाइजेशन इंथैल्पी के कारण हम लोग बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन बिहेव करने लगता है हैलोजन जैसा। जैसे कि देख लीजिए, यहाँ पे ही आप लोगों को दिखेगा, लिथियम का आयनाइजेशन इंथैल्पी लगभग 1520 होता है, ठीक है, जबकि फ्लोरीन का होता है 1680, ठीक है, जबकि हाइड्रोजन का होता है 1312, ठीक है। तो लगभग ये क्या है, सेम दिख रहा है, लगभग हम लोग बोल सकते हैं कि क्लोज है, क्लोज। तो इस कारण हम लोग बोल सकते हैं आयनाइजेशन इंथैल्पी हाइड्रोजन का बहुत ही क्लोज है फ्लोरीन से, तो इस कारण हाइड्रोजन बिहेव करने लगता है फ्लोरीन जैसा। हाइड्रोजन बिहेव करने लगता है फ्लोरीन जैसा, जबकि हम लोग अल्कली मेटल में वो ऐसा देखने को नहीं मिला था। तो हम लोग बोल सकते हैं हाइड्रोजन और हैलोजन में ये सिमिलरिटी है अकॉर्डिंग टू आयनाइजेशन इंथैल्पी के अनुसार, इसमें कुछ सिमिलरिटी है। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। पांचवा आप लोग जानते हैं, एटोमिसिटी एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, यानी कि हैलोजन और हाइड्रोजन बोथ क्या होते हैं, नॉन मेटल कैरेक्टर शो करते हैं। दोनों क्या होते हैं, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर शो करते हैं, और ये इनका एटोमिसिटी होता है डाई एटोमिक। डाई एटोमिक कहने का मतलब है इनके पास क्या होता है, दो फ्लोरीन, यानी जब भी लिखा रहता है एफ टू लिखा रहेगा, देखिएगा Cl2 Br2 आयोडीन, और ये क्या होता है हाइड्रोजन भी H2 लिखा रहेगा। हाइड्रोजन कभी भी आप देखे हैं H लिखा नहीं रहता है, फ्लोरीन भी कभी भी देखे नहीं होंगे कि अकेले होता है, फ्लोरीन कभी भी मोनो एटॉमिक नहीं होता है, फ्लोरीन जब भी होगा डाई एटॉमिक होगा, कोई भी हैलोजन जब भी होगा वो डाई एटॉमिक होगा या हाइड्रोजन भी। हाइड्रोजन और हैलोजन में यही सिमिलरिटी है कि दोनों जो होते हैं डाई एटॉमिक फॉर्म में होते हैं। तो आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि दोनों जो हैं डाई एटॉमिक फॉर्म में है, ठीक है। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हाइड्रोजन ऐसे आप लोगों को लिखा मिलता है, और ये सब के सब क्या है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है, यानी सब के सब क्या है, नॉन मेटल है। ये ऐसे भी आप लोग जानते हैं, ये पी ब्लॉक एलिमेंट का पी ब्लॉक एलिमेंट में आते हैं, इस कारण हम लोग बोल सकते हैं कि ये नॉन मेटल हैं और ये नॉन मेटेलिक कैरेक्टर शो करता है। तो ये आपका पांचवा सिमिलरिटी है कि इनका एटोमिसिटी और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर लगभग सेम होते हैं, ठीक है। तो पांचवा समय, तो सिक्स नंबर सिमिलरिटी ये है कि फॉर्मेशन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ कंपाउंड। ये जब भी फॉर्मेशन होते हैं यानी कि फॉर्मेशन होते हैं यानी कि बनते हैं, तो उस टाइम ये सिमिलर टाइप के कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कि हैलोजन जब रिएक्ट करता है कोई भी एलिमेंट के साथ तो बनाता है हैलाइड, जबकि हाइड्रोजन जब रिएक्ट करता है कोई भी डिफरेंट एलिमेंट के साथ तो बनाता है हाइड्राइड। ये हाइड्राइड बनाता है हाइड्रोजन, जबकि हैलोजन बनाता है हैलाइड। ये पहले भी मैं बता चुका अभी भी बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि हैलाइड सिमिलर टाइप के कंपाउंड क्या है, CCl4 SiCl4 NCl3, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड सिलिकन टेट्राक्लोराइड नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड NCl3 बनाता है। इसी तरह हाइड्राइड क्या बनाता है, CH4 मीथेन SiH4 NH4 अमोनिया, ये सिमिलर टाइप के कंपाउंड बनाते हैं, सॉरी NH3, ये सब क्या होता है सिमिलर टाइप के कंपाउंड बनाते हैं हाइड्रोजन और हैलोजन। सिमिलर टाइप के कंपाउंड आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये आपका 6 सिमिलरिटी है हैलोजन के साथ। तो आप लोगों ने समझ लिया, ये चौथा सिमिलरिटी क्या था, आयनाइजेशन इंथैल्पी, पांचवा सिमिलरिटी क्या था, एटोमिसिटी एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, दोनों का एटोमिसिटी और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सेम होते हैं, जबकि फॉर्मेशन ये सिमिलर टाइप के कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। तो ये आपका सिमिलरिटी हो गया यानी रिजेम्बलेंस हो गया। तो रिजेम्बलेंस हम लोग समझ गए कैसे होता है हैलोजन का, कैसे कैसे सिमिलरिटी शो करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ लिए कैसे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैरेक्टर, ये वगैरह वगैरह मैंने बताया, और ये कुछ प्रॉपर्टी और देख लीजिए, ये सारे के सारे सिमिलरिटी है
हाइड्रोजन और हैलोजन में, ठीक है। तो बढ़ते हम लोग डिसिमिलरिटी की ओर, समझते हैं डिसिमिलरिटी, यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए। चलिए तो हम लोग बढ़ते आगे डिफरेंस विथ हैलोजन समझते हैं, हाइड्रोजन और हैलोजन में क्या क्या डिसिमिलरिटी है समझते हैं। तो पहला डिसिमिलरिटी क्या है, हाइड्रोजन जो होते हैं लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दैन हैलोजन, ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। हैलोजन जो होते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में, हैलोजन में जो फ्लोरीन होता है वो किंग होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में, वो जो होता है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैरेक्टर शो करता है पूरे पीरियोडिक टेबल में। उसके जैसा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैरेक्टर शो करने वाला कोई भी एलिमेंट नहीं है पूरे पीरियोडिक टेबल में। इस कारण हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन, इस कारण हम लोग बोलते हैं हैलोजन जो है पूरे पीरियोडिक टेबल का किंग है। तो ऑफकोर्स हाइड्रोजन जो होंगे वो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैरेक्टर शो करेंगे हैलोजन से। देखिए फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैरेक्टर होता है 4 होता है, जबकि हाइड्रोजन का 1.912 होता है। देख लीजिए कितना डिफरेंस है ये दोनों में। इस कारण हाइड्रोजन जो होते हैं लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी शो करता है इन कंपेरिजन टू हैलोजन, समझ गए। तो ये आपका पहला डिसिमिलरिटी हुआ हाइड्रोजन और हैलोजन में। सेकेंड क्या है, नेचर ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड का क्या नेचर है समझते हैं। ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन जो होते हैं न्यूट्रल होते हैं, जबकि ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन जो होते हैं एसिडिक होते हैं। हमने पीछे भी डिस्कस किया था ऑक्साइड ऑफ जो हाइड्रोजन होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल जो क्या होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, जबकि ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन जो होते हैं एसिडिक होते हैं। कैसे एसिडिक होते हैं, जैसे कि मान लो Cl2O7 का रिएक्शन मैंने वाटर मॉलिक्यूल से कराया, तो ये जो कंबाइन करेगा तो बनेगा HClO4, ठीक है, HClO4 बनेगा। यानी कि HClO4 आप तो जानते हो क्या है, ये एसिडिक कंपाउंड है। तो HClO4 क्या है, एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। दैट्स मीन्स हम बोल सकते हैं कि ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन जो होते हैं एसिडिक नेचर शो करते हैं। तो ये आपका सेकेंड डिसिमिलरिटी हुआ। थर्ड डिसिमिलरिटी क्या है, अब्सेंस ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये समझते अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये आप लोगों को नया टर्म दिख रहा होगा 11th वाले को, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो किसी के साथ कंबाइन ना करे। जैसे अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स समझ तो थर्ड समझते हैं, थर्ड डिसिमिलरिटी अब्सेंस ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आप लोगों के लिए नया है 11th वालों के लिए, समझते हैं अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स किसी के साथ वो कंबाइन ना किया हो, यानी वो बच गया हो, उसके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो बचे हुए हो, वो किसी के साथ शेयरिंग नहीं किया है। जैसे कि देख लीजिए, मान लीजिए फ्लोरीन है, ठीक है, फ्लोरीन पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं, तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 1, 7, ठीक है। मान लो ये है हाइड्रोजन से कंबाइन कर लिया, हाइड्रोजन से ही कंबाइन करते हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना दिया, HF। यानी कि ये देखिए, एक जो इसका इलेक्ट्रॉन था इसके साथ कंबाइन होके ये अपना बॉन्ड बना दिया, तो बचा कितना, एक तो शेयर कर लिया, बचा कितना अनशेयर्ड, अनशेयर्ड आपका देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड पेयर हो गए। यानी पेयरिंग कितना बचा, 3 एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, यानी 3 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैलोजन पास अवेलेबल होते हैं। अनशेयर्ड मतलब समझ गए, जो पार्टिसिपेट ना करे किसी के साथ, यानी कंबाइन ना करे, वो फ्रीली अवेलेबल हो, तो उसी को बोलते हैं अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक तो शेयर कर लिया हाइड्रोजन के साथ, चलिए ठीक है, बाकी जो बचे उसी को बोलते हैं अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 है, यानी कि हैलोजन पास जो होते हैं अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, जबकि हाइड्रोजन पास 0 होते हैं। देखिए हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1, वो भी कंबाइन कर लिया, तो हाइड्रोजन के पास क्या हुआ, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 हुआ है। तो वही लिखे हैं, हाइड्रोजन एटम डज नॉट हैव एनी अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
उसके पास एक भी अनशेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनशेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के नाम पे शून्य है, ठीक है। जबकि हैलोजन एटम हैज थ्री अनशेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिख भी रहा है, तीन अनशेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, इसको हम लोग लोन पेयर भी बोलते हैं, ठीक है, लोन पेयर, समझ गए। जो फ्रीली अवेलेबल हो उसी को बोलते हैं अनशेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए फ्रीली अवेलेबल है, किसी के साथ कंबाइन है नहीं है, तो डैट्स वाई ये अनशेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जबकि हाइड्रोजन में वैसा देखने को नहीं मिल रहा है, जो भी एक भी इलेक्ट्रॉन था वो भी कंबाइन हो गए एक के साथ, तो बचा क्या, कुछ भी नहीं। तो इसी कारण बोला हाइड्रोजन एटम डज नॉट हैव एनी अनशेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि हैलोजन एटम हैज थ्री अनशेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हुआ तीसरा डिसिमिलरिटी। चौथा डिसिमिलरिटी तो आप लोग जानते हैं, साइज ऑफ आयन, आयन का साइज, हाइड्रोजन माइनस आयन यानी कि हाइड्राइड आयन का साइज जो होता है पुद्दू सा होता है, जबकि हेलाइड आयन का बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो एच माइनस आयन का किसी के साथ भी कंबाइन करो, मान लो फ्लोरीन माइनस आयन के साथ, तो उसके कंपेरिजन में हाइड्रोजन आयन का जो साइज होगा वो छोटा होगा कोई भी हेलाइड से, जैसे कि क्लोरीन के साथ, क्लोराइड के साथ भी कराओ, तो Cl- के साथ भी कराएं, तो उसके साथ भी ये देखने को मिलता है कि इसका साइज जो होता है छोटा होता है, समझ गए। चार डिसिमिलरिटी, और पांचवा डिसिमिलरिटी आप लोग जानते हैं, जो हाइड्रोजन होता है उसके पास न्यूट्रॉन होते ही नहीं है, जैसे कि मैंने अल्कली मेटल में भी यही बात डिस्कस की थी, अभी भी मैं यही बता रहा हूँ कि जो हाइड्रोजन होते हैं उसके पास एक भी पांचवा डिसिमिलरिटी ये है कि हाइड्रोजन जो होते हैं उसके पास एक भी न्यूट्रॉन नहीं होते, न्यूट्रॉन के नाम पे क्या होता है, शून्य होता है। ये बात मैंने अल्कली मेटल में भी डिस्कस की थी, इसमें भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, पांचवा डिसिमिलरिटी यही है। जबकि हैलोजन जो होते हैं उसके पास इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटोन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं, समझे, इलेक्ट्रॉन प्रोटोन न्यूट्रॉन सब होते हैं। जबकि हाइड्रोजन पास न्यूट्रॉन के नाम पे क्या होता है, शून्य होता है। पूरे पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, वो शून्य होता है, ठीक है। जबकि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है ना हाइड्रोजन पास, लेकिन न्यूट्रॉन क्या होता है, जीरो होते हैं। जबकि हैलोजन पास इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। तो ये आपका पांचवा डिसिमिलरिटी हुआ। पांचों डिसिमिलरिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पहला डिसिमिलरिटी तो समझ गए, हाइड्रोजन जो होते हैं लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है हैलोजन से, हाइड्रोजन जो होते हैं लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है हैलोजन से, कंपेरिजन भी कर दिए, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैरेक्टर चार होता है जबकि हाइड्रोजन का 1.912 होता है, समझे। फ्लोरीन जो होता है किंग होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में, इसके जैसा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसी के पास नहीं होता है। जैसे अल्कली मेटल पास पूरा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर था, यानी उसके जैसा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कोई नहीं शो करता है, इसी तरह हैलोजन फैमिली जैसा, हैलोजन फैमिली में जो फ्लोरीन होता है उसके जैसा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसी के पास नहीं होता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर एक बार याद रखिएगा, फ्लोरीन का, देन ऑक्सीजन का, देन नाइट्रोजन का, तब होता है क्लोरीन का, ये ऑर्डर याद रखिएगा, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन देन जाके क्लोरीन तब कार्बन बनाता है, ठीक है, ये ऑर्डर याद रखिएगा, फोन वाला कंसेप्ट, ठीक है। दूसरा होता है नेचर ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड का नेचर, ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन जो होते हैं न्यूट्रल होते हैं, जबकि ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन जो होते हैं एसिडिक होते हैं। एसिडिक समझा दिए, मान लीजिए कोई भी क्लोरेट आयन ले लिए Cl2O7, वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो HClO4 बनाता है, जो कि ये एसिडिक बिहेवियर शो करता है, ठीक है। जबकि वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ये बता दिया। ऑप्शंस ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हैलोजन पास तीन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जबकि हाइड्रोजन पास एक भी नहीं होते हैं, जो भी होते हैं वो भी कंबाइन कर देते हैं, बचता क्या है, शून्य, ठीक है। और साइज ऑफ आयन तो आप लोगों को बता ही दिए, आयन क्या होता है, सबसे छोटा हाइड्राइड आयन होता है इन कंपेरिजन टू हैलाइड आयन। अगर आयन में कंपेरिजन किया जाए साइज में, तो हाइड्रोजन का आयन जो होता है छोटा होता है हैलाइड आयन से, किसी के साथ कंबाइन करके देख लीजिए। और पांचवा डिसिमिलरिटी क्या था, हाइड्रोजन के पास एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता, न्यूट्रॉन के नाम पे शून्य होता है, जबकि हैलोजन पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब होते हैं, और हाइड्रोजन पास ओनली प्रोटॉन और
इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। तो ये आपका पांचवा डिसिमिलरिटी हो गया। तो ये आपका सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी समाप्त होता है हैलोजन और अल्कली मेटल के साथ। मैंने क्या क्या डिस्कस किया, क्यों अल्कली, क्यों हाइड्रोजन को हम लोग सेंटर पे रखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, इसलिए रखते हैं क्योंकि हाइड्रोजन के साथ भी इसका प्रॉपर्टी मैच करता है, और सॉरी एस ब्लॉक अल्कली मेटल के साथ भी उसका प्रॉपर्टी मैच करते हैं, और हैलोजन फैमिली के साथ भी प्रॉपर्टी मैच करता है। डैट्स वाई उसको हम लोगों ने सेंटर में रखा, इससे समस्या से निजात पाने के लिए हम लोगों ने उसको सेंटर में रखा, और उसी का हम लोगों ने बहुत सारी सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी देखी, क्या क्या सिमिलरिटी होता है। तो मैंने बहुत सारी सिमिलरिटी डिस्कस की, डिसिमिलरिटी डिस्कस की। होप यू गाइज आज के लेक्चर को बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग इंजॉय किए होंगे, आप लोगों को आज के लेक्चर समझ में आया होगा, बहुत ही आसान लैंग्वेज में आप लोगों को मैंने समझाया है, तो आप लोगों को आई थिंक छप गया होगा माइंड में। तो अच्छा लगा ये वीडियो और ये जितने भी मैंने बताया, तो प्लीज़ यार आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊं और भी एनर्जेटिक वे में आकर, अभी भी हूँ ज़्यादा एनर्जी में पढ़ाता हूँ और भी ज़्यादा एनर्जी में पढ़ाऊँगा। सो आप लोग मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी, ताकि लगेगा कि बच्चे हमसे प्यार करते हैं और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, इस कारण थोड़ा और भी एनर्जी मिलेगा और मैं और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगा। सो चलिए गाइज रहने देते हैं आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हाइड्रोजन के नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।